सरोजनी नगर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज सरोजनी नगर तहसील के हाल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश्वर सिंह विधायक सरोजनी नगर भाजपा व सुरेंद्र चौधरी एमएलसी संसदीय अध्यक्ष समिति थे। विशिष्ट अतिथि जीएन शुक्ला पूर्व अध्यक्ष लखनऊ बार एसोसिएशन व राजेश कुमार सिंह संयोजक नीट व शोध विभाग बीजेपी भी मौजूद। राजेश कुमार सिंह ने अध्यक्ष पद व गोविंद प्रसाद शुक्ला ने महामंत्री पद की शपथ। साथ ही अमित प्रताप सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संजय तिवारी ओपी सिंह उपाध्यक्ष व राजेश कुमार सिंह कनिष्ठ, समर सेन खुर्शीद अहमद, विवेक कुमार सिंह संयुक्त मंत्री व रोहित कुमार सिंह कोषाध्यक्ष प्रवक्ता, अविनाश कुमार ओझा मीडिया प्रभारी, धर्मेंद्र लाइब्रेरियन ललित नारायण ने शपथ ग्रहण की। वरिष्ठ कार्यकारिणी संजीव कुमार, गुलवीर, ललित मोहन, अनिल कुमार, सुरेश व सचिन कुमार जायसवाल, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य हिरेश सिंह, अंशु कुमार, अजीत यादव व देवेश पांडे, दयाराम, अनुराग सिंह ने भी शपथ ग्रहण की। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश्वर सिंह विधायक सरोजनी नगर ने कहा कि हर चीज का पुलिस या सजा नहीं है, सभी को कानून का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया, अनेकों कल्याणकारी घोषणाएं की। मुख्य अतिथि सुरेंद्र चौधरी एमएलसी ने भी संबोधित किया। डॉक्टर राजेश्वर सिंह विधायक सरोजनी नगर द्वारा मीडिया कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। इसी क्रम में सूचना नेटवर्क रिपोर्टर बॉबी लॉरेंस को भी सरोजनी नगर विधायक द्वारा सम्मानित किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। सरोजनी नगर बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। मैं सूचना नेटवर्क बॉबी यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ। जो ट्रेडिशन है उसको बनाए रखे, सब लोग अपना नाम का उल्लेख करेंगे। मैं अपना नाम ले लीजिए सब, राजेश कुमार सिंह और अपने पद का नाम अध्यक्ष पद ईश्वर की शपथ लेता होगी सरोजनी नगर बार एसोसिएशन लखनऊ के संविधान का पूरी तरह से पालन करूंगा और उसमें दिए गए हम तो चाहेंगे कि पत्रकार साथियों सम्मान हो गया है, सभी लोग अपना अपना स्थान ले लें। संतोष कुमार उपाध्याय आरबी की, अरविंद कुमार तिवारी स्वतंत्र प्रभार, भुवनेन्द्र नाथ शुक्ला, राजन पांडे, अमर उजाला, आनंद सिंह, राजेश्वर सिंह जिंदाबाद। सूचना भी है कार्यक्रम के बाद भोजन की व्यवस्था है, सारे अधिवक्ता साथी और जो साथी आए वो भोजन लेंगे और हमारे जो विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि है जिलाधिकारी कार्यालय में जलपान की व्यवस्था है वहां भी चल रहा है। मिठाई जी के नेतृत्व में धन्यवाद राजेश भैया। सबसे पहले आपको, आदरणीय गोविंद शुक्ला जी को और आपकी पूरी टीम को सबको बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नवरात्र के इस पावन अवसर पर माँ शैलपुत्री की सबके ऊपर कृपा बनी रहे, सबके ऊपर आशीर्वाद बनाते, सबके घरों में खुशियां आए और माँ हमेशा सबको विजयी बनाए, यही माँ से प्रार्थना है। आप सबके सुखी जीवन के लिए बहुत बहुत कामना और प्रार्थना करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे भाई आदरणीय विधान परिषद सदस्य श्री सुरेंद्र चौधरी जी, हमारे आदरणीय श्री शक्ति सिंह साहब, आदरणीय नक्के भैया, आदरणीय राजेश सिंह साहब, हमारे वरिष्ठ आदरणीय राजेश सिंह साहब प्रयागराज से जो आए हैं, आदरणीय हमारे चक्षू, हमारे पिताजी के भी दोस्त हैं चक्षू, हमारे स्वर्गीय ससुर श्री इंद्रदेव सिंह साहब के भी बहुत अभिन्न हमेशा से रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत सरोजनी नगर बार में करता हूँ, नमन करता हूँ
और हमारे आदरणीय वर्षदेव सुखल जी आए हुए हैं मोहनलाल बाग जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे हमारे जितने पदाधिकारी चुनाव जीते हैं, आदरणीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित प्रताप सिंह साहब, उपाध्यक्ष ओपी सिंह साहब, संजय तिवारी जी, राजेश कुमार सिंह साहब, संयुक्त मंत्री के रूप में हमारे समर सिंह जी, हमारे ग्राम प्रधान भी हैं आदरणीय खुर्शीद अहमद जी, विवेक सिंह जी, रोहित कुमार सिंह जी, अविनाश कुमार रोजा जी, हमारे भाई धर्मेंद्र तिवारी जी, बहुत अच्छे मीडिया बहुत अच्छा बड़ा योगदान रहता है धर्मेंद्र जी का, हमारे लाइब्रेरी ललित नारायण एजुकेट जी और कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य के रूप में श्री संजीव कुमार जी, श्री गुरवीर कुमार जी, ललित मोहन सिंह जी, अनिल कुमार जी, श्री सुरेंद्र सिंह जी, श्री सचिन जायसवाल जी और कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के रूप में देवेश कुमार पांडे जी, अंशु कुमार जी, अजीत यादव जी, दयाराम जी, हिरेश जी, अनुराग सिंह अनु जी एवं यहाँ पर उपस्थित एक बार पुनः हमारे जितने वरिष्ठ बैठे हैं, अधिवक्तागण बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ साथी बैठे हैं, पार्षद बैठे हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हैं, सभी का नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारी मातृशक्ति बैठी है, अगली बार उनसे भी अनुरोध करूंगा आप लोगों को भी चुनाव लड़ना चाहिए। अब 33% नारी मंडल अधिनियम के बाद आपको लोकसभा तक जाना है, प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व करना है, तो आप लोगों का इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए और बढ़ना चाहिए इसको बढ़ाने के लिए। आशा करूंगा हमारे भाई राजेश जी अध्यक्ष जी और हमारे महामंत्री रोहित जी इसमें चिंतन करेंगे और हमारी बहनों को भी अगली बार राजनीति में सबको स्थान मिलना चाहिए। अधिवक्ता परिवार से जुड़ा हूँ, जैसा सबने बताया आदरणीय जाकर भैया के बड़े भाई आदरणीय सचिव जी, वो हमारे स्वर्गीय सचिव जी इंद्रदेव सिंह जी जो यहाँ पर अध्यक्ष थे बार एसोसिएशन के, उनके साथ के रहे हैं, लोगों का बहुत प्रेम स्नेह मेरे ऊपर रहा है और अभी भी चचू का और तरह के भैया हमेशा साथ में ही रहते हैं, बहुत सबका आशीर्वाद मिलता है। तो बाहर से तो मेरा बहुत ही पुराना नाता है, स्वयं भी मैंने वकालत करी कंपनी में 15 साल, जब ईडी में रहा 10 साल, पुलिस में रहा, तो कानून की पढ़ाई के बिना तो ना पुलिस की नौकरी हो सकती है ना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, पर आज की तारीख में मेरा मानना है हर व्यक्ति को और खास तौर पे हमारे युवा साथियों को कानून की पढ़ाई सबको करनी चाहिए, कानून का ज्ञान सबको होना चाहिए। इसके लिए आपको जान के हर शो का मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी दाखिल कर रखी है कि कानून की पढ़ाई की इंटरमीडिएट में अनिवार्यता होनी चाहिए। मेरा मानना है हमारे युवाओं को जब स्कूल कॉलेज कॉलेजों में जाए तो उनको बेसिक कानून का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हर चीज का समाधान पुलिस या सजा नहीं है। यदि आपको किसी चीज का ज्ञान है तो आप अपराध करने में या गलती करने में आप फिटेंगे। यदि आपको मोटर व्हीकल एक्ट का ज्ञान है, यदि आपको एनटीपीएस एक्ट का बेसिक ज्ञान है, यदि आपको कॉपीराइट एक्ट का ज्ञान है, यदि आपको माइनर एक्ट का आईपीसी के छोटी छोटी धाराएं हैं उनका ज्ञान है, तो हमारे जो युवा साथी है, जो हमारे हम लोग के बच्चे है, जिनके ऊपर देश का भविष्य आगे टिका हुआ है, जो गलतियां कर देते हैं गलतियां नहीं करेंगे। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष रूप से पीआईएल दाखिल कर रखी है, राज्य सरकार को और केंद्र ने कानून मंत्री रखा है, उसमें कार्रवाई चल रही है कि जैसे एनवायरमेंट की स्टडीज, जैसे हमारे एमसी मेहता साहब, क्योंकि सब लोग हम लोग सब कानून यहाँ पे बैठे हैं, तो एमसी मेहता की पेमेंट आप लोगों ने देखे कैसे उन्होंने पर्यावरण को मैंडेटरी कराया, कितना महत्वपूर्ण पर्यावरण है, पॉल्यूशन के कारण कितनी डेथ होती है, 60 लाख से ज्यादा 70 लाख, 60 से 70 लाख आदमी पॉल्यूशन से पूरे विश्व प्रतिवर्ष बढ़ता है और 25 लाख उसमें हिंदुस्तान में सिर्फ पॉल्यूशन के कारण होती है। इसलिए अवेयरनेस एनवायरमेंटल लॉस की, एनवायरमेंट के बारे में एनवायरमेंट स्टडीज बहुत है और इसके लिए वकीलों के कारण पीआईएल, उन्होंने पीआईएल दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से आदेश कराया कानून की पढ़ाई एनवायरमेंट की पढ़ाई होनी चाहिए। इसी तरह से मेरा मानना है
कानून की पढ़ाई जरूरी होनी चाहिए ताकि बच्चे हमारे कोई गलती ना करें। आजकल समय ऐसा आ गया है कि कोई भी गलती करके बचा पाना बच्चे को बड़ा मुश्किल होता है। आप लोग अगर करता है रोज आप लोग यहाँ पे भी केस देख रहे हैं, कचहरी में भी केस देखते हैं, बच्चे ने कोई ये गलत मैसेज भेज दिया, कहीं पे एक जगह झगड़े में मारपीट में किसी गलत जलूस पे खड़ा हो गया, हर जगह सीसीटीवी है, ऐसी है कि वो बच्चा निकल नहीं सकता, पुलिस का सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो चुका है, तो कल जब वो कोई एग्जाम देगा किसी